रियलिटी शो लॉकअप ने पहले हफ्ते में ही टॉप शोज की लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है। शो का जेल वाला कॉन्सेप्ट लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कंगना की जेल में सभी कंट्रोवर्सियल कैदी अपनी डिफरेंट पर्सनालिटीज से फैंस को इम्प्रेस कर रहे हैं। कंगना का ये शो 10 हफ्तों तक चलने वाला है और हर हफ्ते में शो में नए नए सरप्राइजेस दर्शकों को देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगना राणावत की जेल में रहने के लिए उनके सभी कैदी भारी भरकम फीस ले रहे हैं। कंगना की फीस भी करोड़ों में बताई जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कंगना के किस कैदी की कितनी फीस है। बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना राणावत लॉकअप के जरिए अपनी कैदियों की जिंदगी पर राज कर रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कंगना को शो के लिए बड़ी रकम दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना राणावत हर एपिसोड के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रही हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लॉकअप शो के लिए कंगना को 25 करोड़ रुपए की फीस दी जा रही है। तो वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा कंगना राणावत की जेल में सबसे छोटी कैदी हैं। अंजलि शो में रहने के लिए एकता कपूर से बड़ी रकम ले रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजलि को एक हफ्ते के लिए 3 से 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मुनव्वर फारूकी कंगना राणावत की जेल के सबसे पॉपुलर कैदी हैं। शो में मुनव्वर को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मुनव्वर कंगना की जेल में रहने के लिए हर हफ्ते 3 से 3.5 लाख रुपए की फीस ले रहे हैं। पूनम पांडे को कंगना राणावत की जेल की सबसे बोल्ड और सिजलिंग कैदी बताया जाता है। पूनम पांडे लॉकअप में रहने के लिए एक हफ्ते के 3 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं। तो वहीं ट्विटर पर अपने विचारों को खुलकर रखने वाली पायल रोहतगी अब कंगना के शो में अपने बिंदास एटीट्यूड से बाकी कंटेस्टेंट को परेशान करती हुई नजर आ रही हैं। पायल को कंगना के लॉकअप के लिए हर हफ्ते के 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। शो में निशा रावल को भी काफी पसंद किया जा रहा है। लॉकअप में निशा अपने विचारों को खुलकर बेबाकी से सबके सामने रख रही हैं। निशा की स्ट्रांग पर्सनैलिटी से शो की क्वीन कंगना राणावत भी इम्प्रेस नजर आई। निशा को लॉकअप में रहने के लिए एक हफ्ते के 2 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। तो वहीं लॉकअप से पहले सिद्धार्थ शर्मा कुछ यूथ बेस्ड रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। सिद्धार्थ के करियर के लिए लॉकअप एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। सिद्धार्थ शो में रहने के लिए हर हफ्ते 2 से 2.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। इसके साथ ही टीवी की कंट्रोवर्सियल एक्ट्रेस सारा खान अपनी ब्यूटीफुल लुक्स की वजह से शो में काफी चर्चा बटोर रही हैं। बिग बॉस के बाद सारा खान अब कंगना राणावत की कैदी बन गई हैं। कंगना के शो के लिए सारा हर हफ्ते 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की फीस चार्ज कर रही हैं। तो वहीं सायसा शिंदे अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से खूब चर्चा में हैं। शो में सायसा अपनी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे कर रही हैं। सायसा लॉकअप में रहने के लिए एक हफ्ते के 1 लाख रुपए ले रही हैं। तो वहीं टीवी के मोस्ट पॉपुलर एक्टर करणवीर वोरा भी कंगना राणावत के कैदी बने हुए हैं। कई टीवी शोज में अपनी एक्टिंग से फैंस को इम्प्रेस करने वाले करणवीर वोरा अब लॉकअप में अपनी रियल पर्सनैलिटी से फैंस को रूबरू करा रहे हैं। करण को शो में रहने के लिए हर हफ्ते 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं।